नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ सोनिका सिंह, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि आज ईद का पर्व है और उत्तराखंड में ईद के पर्व पर लोगों में बेहद ही खासा उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन पूरे कोरोना का पालन करते हुए ईद का रौनक देखा जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है ईद के दौरान। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ईद का त्यौहार पर रौनक नजर आ रही है। सरकार ने ईद पर गाइडलाइंस भी जारी की है। सरकार की तरफ से कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ईद पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। ईद का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में बेहद उत्साह के साथ लोग इस पर्व को आज मना रहे हैं। त्योहार पर रौनक नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए आज उत्तराखंड में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों ने घरों और मस्जिदों में सीमित संख्या के साथ ईद की नमाज पढ़ी है। देश के लिए अमन और चैन की, शांति की है, दुआ की है। इस दौरान आपको बता दें कि सभी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा है। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरीके से ईद के पर्व को मनाया जाए और क्या करने की अनुमति नहीं होगी। पूरी गाइडलाइंस उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी की गई, जिसके मद्देनजर कोरोना को देखते हुए पूरी ईद के पर्व को मनाया जा रहा है। ईद के त्यौहार पर उत्तराखंड में इस वक्त बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईद पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रौनक हो गई है बाजारों में इस वक्त। कोरोना नियमों का पालन भी किया जा रहा है और सरकार ने ईद पर गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस वक्त ईद का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। बेहद ही खासा उत्साह लोगों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे इसी बीच ईद का पर्व भी मनाया जाना है, लेकिन कहा लोगों को पूरी तरीके से कोरोना का पालन करना है। और तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग पालन करते हुए त्यौहार मना भी रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की गई है ईद के पर्व को देखते हुए। ईद के पर्व पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। इसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान ईद का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे भी उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बेहद ही रौनक भरा इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। ईद के पर्व को सब मिलजुल कर मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। ऐसे में बेहद ध्यान रखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी है। ईद पर्व पर मुबारकबाद दी है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने सभी को बधाई दी है ईद के पर्व के अवसर पर। इस वक्त की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। बेहद रौनक बाजारों में नजर आ रही है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, कितना उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं? और कोरोना काल भी है तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? का बिल्कुल, जिस तरीके से ईद का त्यौहार पूरे ही देश में मनाया जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में भी ईद का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना काल को लेकर भी तमाम तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि नमाज होगी वो सिर्फ 5 ही लोग नमाज करेंगे, उसमें मौलवी भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको लेकर ही ईद की नमाज अदा की गई है। 9 बजे के करीब ये ईद की नमाज पढ़ी गई है, जिसके बाद काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। जिस तरीके से लोग आज सजकर बाहर निकले हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनमें कितना उत्साह ईद को लेकर है। जी दंडाज, व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, किस तरह की सुरक्षा आप देख रहे हैं और बाजारों में क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से ईद की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बाजारों में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और सभी मस्जिद और मदरसों में पुलिस तैनात है, और जिस तरीके की सुरक्षा देखी जा गई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सुरक्षा उत्तराखंड में की गई है। SSP के द्वारा भी कहा गया था कि जो भी उससे पहले भी ईद से पहले भी एक बैठक ली गई थी सभी समुदायों को लेकर, और साफ तौर पर उनको निर्देश भी जारी किए गए थे कि जो कोरोना काल है उसकी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, उसी के चलते ईद को का त्यौहार मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका पालन होता हुआ नजर आया। आज जिस तरीके से हमने देखा कि मस्जिदों में जिस तरीके से आज भीड़ नहीं उमड़ी है, हालांकि जिस तरीके से पिछली बार भी कोरोना काल चला था उस बार भी ईद नहीं मना पाए थे लोग, और गले मिलने पर भी फ्रिज रखा गया था, इस बार भी गले मिलने पर फ्रिज रखा गया। और बाजारों की बात करें तो बाजारों में लोगों की भीड़ जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदारों ने भी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो गोले दुकानों के बाहर बनाए हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार किया जाए, गोले बनाकर ही लोगों को सामान दिया जा रहा है कि जो उस गोले के अंदर ही खड़ा होना पड़ेगा। जी
धनराज, उत्तराखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है, तो क्या आप लोगों को बीच देख रहे हैं कि गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से बाजारों में देखा गया कि जिस तरीके से गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है, नए जिलाधिकारी उत्तराखंड देहरादून को मिले हैं और तमाम तरह की गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है। और जिस तरीके से ईद को लेकर सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी बाजारों में निकले हैं जरूर खरीदारी करने के लिए, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, चलानी कार्रवाई लगातार पुलिस प्रशासन कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं और पुष्कर धामी ने आज सभी को ईद की बधाई भी दी है। जी तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि महंगाई भी हम देख रहे हैं आज बकरीद के मौके पर, जानवरों के रेट भी बहुत ज्यादा है, तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं धनराज? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से बकरा ईद पर एक बकरे की जो इनका नियम होता है कि एक बकरे की कुर्बानी दी जाती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है कि जो मंडी बाजारों में लगती है बकरों की, उस पर कहीं ना कहीं महंगाई जरूर असर कर रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि सभी लोग बाजारों में निकलते हैं और खरीदारी करते हैं और जिस तरीके से महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज जो खरीदारी हो रही है वो बहुत ही कम लोग खरीदारी कर रहे हैं। यदि लोगों की बात करें, उनसे जानने की कोशिश की जाए, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसके जरूर जो त्योहार है उन पर असर पड़ता है। और हम लोग जो सामान हजारों की तादाद में खरीदते थे, आज वो सैकड़ों की तादाद में हम वो सामान खरीद रहे हैं। और जिस तरीके से जानवरों की बात करें कि बकरे पे भी रेट बढ़े गए हैं। यदि देहरादून की बात करें तो सबसे महंगा जो बकरा था वो 3 लाख रुपए का बिका है, जिस पर तमाम जानकारी आपने दी कि आज उत्तराखंड में ईद का पर्व किस तरह मनाया जा रहा है, क्या तमाम व्यवस्थाएं की गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं अब उत्तराखंड में। 16,000 से ज्यादा लोगों को तकरीबन आपको बता दें कि आशियाने मिलने की उम्मीद बताई गई है। 16,000 गरीबों को आशियाने मिलेंगे उत्तराखंड में, ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में इस वक्त की देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र मंजूर से पीएम आवास योजना की मंजूरी दी गई है, ये आपको जानकारी दे दें। आपको बताते कि 2019 से 20 तक 12,662 आवास मंजूर किए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। आपको बता दें कि 16,472 आवास स्वीकृत किए गए। उत्तराखंड के 16,000 गरीबों को आशियाने मिलेंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आपको बता दे ये ऐलान कर दिया गया है उत्तराखंड के 16,000 गरीबों के लिए, दरअसल उन्हें आशियाने देने का ऐलान किया गया है। पीएम आवास योजना केंद्र ने मंजूर कर दी है पीएम आवास योजना को उत्तराखंड में। आपको बता दें कि 2019 और 20 तक 12,662 आवास मंजूर किए गए थे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16,472 आवास स्वीकृत किए गए थे। और अभी ऐलान कर दिया गया है कि उत्तराखंड के 16,000 गरीबों को आशियाने मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अब उत्तराखंड के 16,000 गरीबों को आशियाने मिलने जा रहे हैं। ये इस वक्त गरीबों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र ने मंजूर दे दी है पीएम आवास योजना को उत्तराखंड में। और 2019 और 20 की बात करते हैं तो 12,662 आवास मंजूर किए गए थे। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, अब ये जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड में कि 16,000 गरीबों को आशियाने दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं सोनिका कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड के 16,000 गरीबों को आवास दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के, तो प्रधानमंत्री के कामों को लेकर के जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड को लेकर के अगर बात करें, या ये प्रधानमंत्री आवास को लेकर के योजना को लेकर के बात करें, तो लगातार जो प्रधानमंत्री के काम उनकी घोषणाएं की जा रही है, उनका लाभ गरीब जनता को और जनता को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 2022 के चुनाव की दृष्टि से देखें तो लगता है कि जो आगामी चुनाव की जो रणनीति है उस पर प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर ही 2022 उत्तराखंड के लिए तैयारी की जाएगी। तो यानी कि अब कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार एक्शन मोड में है, उत्तराखंड के सीएम भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड में 16,000 गरीबों को आशियाने मिलेंगे। तो ये जानकारी संचित हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं।
संचित आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है क्योंकि विपक्ष पार्टी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब उत्तराखंड के नए सीएम भी लगातार एक्शन मोड में है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, कांटे की टक्कर रहेगी संचित? देखिए 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस बार जो भाजपा को जो डर है वो कांग्रेस से नहीं बल्कि इस बार आम आदमी पार्टी से। साथ ही साथ अगर बात करें आम आदमी पार्टी के मुखिया की, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड में जो ऐलान करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जो घोषणा करी उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर में मुफ्त देंगे, जिसको लेकर के सबसे पहले अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो मंत्री है उन्होंने घोषणा करी कि 250 यूनिट बिजली प्रत्येक घर को वो देंगे। उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए, अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली का ऐलान किया, जिससे उन्होंने लगातार जो भाजपा है भाजपा ने अपने ऐलान किया उसके ऊपर बढ़ चढ़ के जो आम आदमी पार्टी की भागीदारी थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि जो 2 लाख प्रत्येक घर तक जाने की जो कवायद इसमें। ठीक है संचित, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, केदारनाथ हाईवे समेत कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं क्योंकि उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिन उत्तराखंड के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं क्योंकि केदारनाथ हाईवे समेत कई जगह सड़कें भी बंद हो जाएंगी। उत्तराखंड है पहाड़ी इलाका है, ऐसे में तबाही का मंजर भी देखने को मिलता है जब जब लगातार बारिश आती है। और एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग लगातार चेता रहा है उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को कि सावधान रहें क्योंकि आने वाले समय में बेहद भारी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है, जिससे केदारनाथ हाईवे समेत कई जगह बंद भी हो सकती है। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बीते कई दिनों से उत्तराखंड में बारिश का मौसम बना हुआ है, इसके में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बीते दिन की बात करते हैं तो बादल फटने की खबरें सामने आई जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। कुछ दिन बाद आकाशीय बिजली गिरने में महिला और एक बच्ची लापता हो गई। अभी खबर मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया है कि आने वाले दिन उत्तराखंड में बेहद भारी रहने वाले हैं क्योंकि भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान जता दिया है, इस वक्त मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आप देख सकते हैं फिलहाल उत्तराखंड का मौसम लगातार सुहावना हो रखा है और राज्य में बारिश हो रही है। आज लगातार पांचवा दिन है, बीते रविवार से लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। और इस मानसूनी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं कई प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो भूस्खलन के रूप में हो, बादल फटने के रूप में हो या जगह जगह जल भराव के रूप में हो, ये सभी परेशानियां भी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और जिस तरीके से पिछले 5 लगातार राज्य में बारिश हो रही है तो फिलहाल और जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है भारी बारिश को लेकर, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, सभी जगहों पर फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से खासकर पहाड़ी जिलों में बारिश के रुकने के कोई आसार फिलहाल नहीं बन रहे हैं। और इस तरीके से हाईवे भी कई बंद हैं, बात कर रहे हो फिलहाल केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे की, उनको आज खोला गया है, मलबा हटा रहे हैं वहां से, लेकिन जिसके साथ ही गंगोत्री हाईवे अभी भी बंद चल रहा है क्योंकि वहां पर भारी मलबा आने से अभी भी जो गंगोत्री जाने वाली जो हाईवे है वो अभी भी बंद है और प्रशासन जुटा है वहां पर मलबा हटाने से, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं तो भारी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो विशाखा, अगर हम पहाड़ी इलाका है तो ऐसे में अगर निचले स्तर की बात करते हैं तो निचले इलाकों में किस तरह की व्यवस्था प्रशासन कर रही है क्योंकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए सोनिका, जिस तरीके से हम हरिद्वार की बात करते हैं या ऋषिकेश की बात करते हैं, ऋषिकेश में अगर हम गंगा के जल स्तर की बात करें तो फिलहाल गंगा का जल स्तर है ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और जो आसपास के इलाके हैं, जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर रहते हैं या जो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं
जिनके पास अपने मकान नहीं है वो नदियों किनारे बसे हैं, ऐसे लोगों को भी खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस मानसूनी बारिश का। प्रशासन के द्वारा खाली जरूर कराया गया है लेकिन जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है, जाहिर तौर पर यह बारिश उनके लिए आफत का सबक जरूर बनती है। अभिषेका, बीते दिनों देखा गया कि जब बादल फटने के बाद आकाशीय बिजली के बाद कुछ मौत की खबरें भी सामने आ रही थी, तो क्या कहीं एक बार फिर से ऐसा ही कोई मंजर सामने आ सकता है क्या? क्या मौसम विभाग की तरफ से कुछ चेताया गया आकाशीय बिजली को लेकर? पहाड़ों में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड 3 लोगों की मृत्यु पुष्टि हुई है और उसके बाद एक नाले के स्थान पर आने से एक महिला और उसकी बेटी की मृत्यु का जो खबर है वो सामने आई है। और इसके बाद जिस तरीके से अभी नैनीताल पहुंचते हुए कुछ पर्यटकों पर कुछ रास्ते में मलबा आने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, वहां पर एक जो पर्यटक है उसकी मृत्यु की खबर सामने आई है, तो ये सभी चीजें हैं। और पहाड़ों में जब बारिश का इस तरीके से लगातार बारिश होती है तो ये तमाम समस्याएं सामने आती है और ये जो जानवर माल का नुकसान है ये भी राज्य को उठाना पड़ता है। ठीक है विशाखा, जिस तरीके से मौसम इस वक्त बदल रहा है उत्तराखंड में, अगर बात करते हैं उत्तराखंड प्रशासन व्यवस्था तो तमाम कर रहा है, लेकिन ऐसे समय सवाल भी कई खड़े होते हैं कि प्रशासन पहले से तैयारियां क्यों नहीं करता, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो ऐसा मंजर देखा जाता है, तबाही का मंजर सामने आता है उत्तराखंड से। विशाखा बिल्कुल, देखिए सोनिका, जिस तरीके से हम मैदानों की बात करते हैं तो मैदान में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, सड़कें उपलब्ध है, प्रशासन उपलब्ध है, लेकिन पहाड़ों में जब ऐसी कोई आपदा सामने आती है जिस तरीके से उत्तरकाशी में सामने आई, आप देखिए वहां पर प्रशासन को पहुंचने में भी समय लगता है क्योंकि जो क्षेत्रीय हालात है, जो वहां के जिस हिसाब से पहाड़ों के जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है और जिस तौर पर प्रकृति भी समय समय पर आपदाएं दिखाती है पहाड़ों पर और पहाड़ों के लोगों को, इन सभी का सामना करना पड़ता है। जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे रुख करते हैं पंजाब को, बता दें कि कांग्रेस हाईकमान आज नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा आज। ये जानकारी सीधे सामने आई है, उत्तराखंड से लंबे समय से चल रही खींचातान पर आज विराम लग सकता है। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस हाईकमान का नजर आई है, अब कांग्रेस हाईकमान आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमान आज नामों का ऐलान भी करेगी, कई नामों का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और संगठनात्मक स्तर पर किए जाने वाले बदलाव की फाइलें भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र प्रताप से तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, आज बड़े लंबे समय बाद ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस नाम का ऐलान कर सकती है, हालांकि बार बार ये सामने आता है कि आज ऐलान हो सकता है, क्या लगता है आखिरकार कब तक ऐलान हो सकता है नाम का धीरेन्द्र? बिल्कुल सोनिका, लगभग एक हफ्ते से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि आज ऐलान कर सकती है कांग्रेस और हर रात के साथ ही बात बदल जाती है, तो आज कुछ उम्मीद है कि कल शाम को उम्मीद थी कि मंगलवार देर रात तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कांग्रेस कर देगी, लेकिन वो नहीं हो सका। आज पूरी उम्मीद है कि आज कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन सोनिका जो विलंब हो रहा है उसका एक बड़ा कारण यह है कि पार्टी उत्तराखंड में भी पंजाब फार्मूला लागू करना चाहती, जैसे पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ बनाए, बिल्कुल उसी तरह से उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी प्रयोग करना चाहती है और जो 3 या 4 नाम जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम देखेंगे उनके नामों पर जो है इतना विलंब हो रहा है, क्योंकि उसमें काफी कांग्रेस को होमवर्क करना पड़ रहा है, काफी कसरत करनी पड़ रही है, क्योंकि पार्टी में काफी खींचतान है, गुटबाजी काफी है, उसको लेकर के कांग्रेस हालाकमान भी किसी नाम पे जो फैसला है वो नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और इसके साथ साथ 3 या 4 कार्यकारी अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दे, क्योंकि जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनमें भी बहुत उत्सुकता है, लगातार कल से वो कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट है उस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रायः कांग्रेस की जो घोषणाएं होती है उस पर भी जारी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की जारी हुई या पंजाब की जारी हुई, बिल्कुल उसी तरह से तो कांग्रेस नेताओं में भी एक उत्सुकता बनी हुई है कि कौन नाम होगा, कौन इस नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा और ऐसे कौन से नाम है जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अध्यक्ष के साथ काम करेंगे, क्योंकि चुनावी साल है, पंजाब के साथ ही उत्तराखंड में भी चुनाव होना है,
इसलिए जितना कांग्रेस पार्टी के नामों पर फैसला लेने में मुश्किलें आ रही हैं, उससे कहीं अधिक उत्सुकता उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा 2022 के चुनावी रण में। तो सोनिका, आज पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इन नामों पे कुछ फैसला ले और वो फैसला आज घोषित कर दे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज वो पंजाब में जिस तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस के हाईकमान के फैसले के बाद भी विधायकों में नाराजगी का दौर जारी है, अभी भी दो खेमे में बटी हुई है कांग्रेस, तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं क्या आप? बिल्कुल सोनिका, देखिए खेमेबाजी का ही कारण है शायद जो इतना विलंब इतना लेट हो गया कांग्रेस को उन नामों पर फैसला लेने में, जबकि आप देखिए लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो गया जब कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में बैठक की और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला हो गया कि अब जो कांग्रेस आला कमान जो फैसला लेगा वो पूरे प्रदेश के पार्टी नेताओं को मान्य होगा। लेकिन वो एक पखवाड़ा से अधिक हो गया और अभी भी आला कमान उस पर कोई फैसला नहीं ले सका। इसका सिर्फ एक कारण है कि पार्टी गुटों में बटी हुई है और सभी गुट रस्साकसी में लगे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी के जो आला कमान है वो किस तरह से इससे फैसला लेता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है उसने पंजाब में जो फैसला हुआ उसने अपनी अहमियत अपनी ताकत दिखाई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के न चाहने के बावजूद उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड में क्या फैसला करती है, क्योंकि अभी भी हरीश रावत का जो गुट है वो चाहता है हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है। ठीक है धीरेन्द्र, बिल्कुल सही कहा आपने, देखने वाली बात होगी कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करते हैं तो आंकड़े भी कम हो गए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। उत्तराखंड की जानकारी आपको दे रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में कम होते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 50 नए संक्रमित मिले हैं और 33 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं। प्रदेश में अब संक्रमितों की रिकवरी रेट 95.90 तक पहुंच गया है। वही मंगलवार को एक भी संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है। ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है कि बीते दिन एक भी जान नहीं गई है कोरोना संक्रमण की वजह से, यानी मौत का आंकड़ा एक भी सामने नहीं आया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कह सकते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, उत्तराखंड में लगातार तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जायजा भी लिया जा रहा है, उसका प्रभाव नजर आ रहा है। उत्तराखंड में मामले कम होते जा रहे हैं और आंकड़े मौत के आंकड़े भी सामने नहीं आए हैं। बीते दिन बड़ी राहत भरी खबर ये सामने आई है। कोरोना की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो कोरोना को लेकर के लगातार एक्शन मोड में नजर आती है उत्तराखंड सरकार। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लगातार अनलॉक की अगर बात करते हैं तो पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं ताकि कोई लापरवाही ना हो सके। हमारे संवाददाता चंचल तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चंचल, उत्तराखंड में मामले कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी राहत भरी खबर की एक भी मौत नहीं हुई है बीते दिन, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुनाएगा, देखो आप बता दें जिस तरीके से जो है कोरोना को लेकर कांवड़ मेला भी रद्द कर दिया था, कुछ शाही स्नान भी रद्द कर दिए थे, कुछ ऐसे स्नान थे जो पूर्णिमासी के पड़ते हैं उनको भी रद्द कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी केवल इसी को लेकर जिस तरीके से कोविड के केस ना आए और बाहर से आने वाले बिल्कुल सामिकता ना फैले उसको सरकार ने जो रोकथाम के लिए बनाई गई थी वो पूर्णतः चल रही है। और अभी की अगर बात करें तो सुनाएगा कि जिस तरीके से जो पिछले 3 दिन से कोई केस नहीं आए हैं, जो 50 केस थे उसमें से 30 केस जो है नेगेटिव भी हो गए, सही होकर अपने घर को वापस गए, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कोविड को लेकर काफी रोकथाम उत्तराखंड प्रदेश ने बनाई हुई है और यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोगों की वजह से जो है कुछ परेशानी का सामना हुआ था कि जैसा कि स्नान होंगे या कांवड़ मेला होगा तो उसको लेकर परेशानी हो सके, उसके ऊपर भी जो है रोकथाम लग गई है। तो उसको लेकर जो है अभी कोविड की बात करें तो काफी रोकथाम है। वहीं जो है सरकार ने जो है अभी थोड़ी सी सख्ती बरतने की शुरुआत, रात के 9 बजे से सुबह 8 बजे तक जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है कि और कुछ दिन है हफ्ते में जैसे 2 दिन कर दिए, शनिवार और इतवार को पूर्णतः बंद का वो कर दिया है। तो बाजार खुल रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन आने वाले समय की बात करते हैं तो तीसरी लहर के लिए कितनी तैयार है उत्तराखंड सरकार? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें सोनालिका, जैसे कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो अगर यहाँ पर जो है थोड़े सा सावधानियां बरतने की जरूरत है, सरकार ने जो अपील की है जो गाइडलाइंस है सरकार की अगर उन पर भी ध्यान रखा जाए तो उसको लेकर भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो उसको लेकर भी अगर सावधानी बरतते हैं तो काफी हद तक हम कोरोना पे जीत सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है पर्यटक के ऊपर है, सारा जो है बाहर से लोग आते हैं, काफी जितने यहाँ के लोग हैं उससे ज्यादा लोगों का आवाजाही जो है महीने में बाहर के लोगों से हो जाती है। तो उसको अगर रोकते हैं तो काफी सावधानी बरतने को मिलेगी। अगर वहीं सरकार की बात करें तो कुछ जो है कोविड अस्पतालों का जरूर उद्घाटन कराया, कुछ घोषणाएं भी कर रखी हैं जिस तरीके से काम चल रहा है, लेकिन अभी की बात करें तो जैसे जो है
थोड़ा बारिश की वजह से जो है रास्ते बंद हो गए, तो उनको लेकर जरूर परेशानी हो रही है। लेकिन अगर कोविड की बात करें तो काफी रोकथाम है, और प्रशासन और सरकार जो है बिल्कुल निगाह बनाई हुई है। किसी तरह की अगर ऐसा कुछ जो है तीसरी लहर का संकेत आता है तो कोविड को लेकर जो है पूर्णतः जो है बंद का आदेश भी हो जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो दो दिन का आदेश जरूर है जो है पांच जिलों में कर दिया है। जो बड़े जिले हैं उनको लेकर थोड़ी सख्ती वृद्धि की जरूरत है, और उसको लेकर अगर सुना के बता दें जैसे आज ईद है तो ईद को लेकर भी काफी सरकार की तरफ से जो है अपील की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर त्यौहार बनाए, क्योंकि संक्रमित ना हो, कोविड की जैसे रोकथाम लगी हुई है। तो उसमें जो है इन तरह के त्योहारों की वजह से चाहे वो किसी भी धर्म का हो लेकिन सभी को लेकर अपील की गई है तो घर में रहकर मनाए। तो ये सब कोविड को लेकर ही हो रहा है जिस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक पर्यटक है तो उसको लेकर जो है अभी उत्तराखंड में कोरोना के हालात कम होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड जानकारी आपको दे रहे थे, कोरोना के मामले कम होने लगे हैं और सबसे बड़ी राहत भरी खबर की एक भी मौत बीते दिन नहीं हुई है। तो कोरोना देश में अभी रफ्तार कम होने लगी है, लेकिन अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं तो आपको बहुत अपना ध्यान रखना होगा। इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।